हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीतीश। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑटोमेटिक कार को ड्राइव कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे गियर लगाते हैं, क्या प्रोसेस है इसका चलाने का, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सिंपल वे बताऊंगा, बिल्कुल कोई भी इसको ड्राइव कर सकता है। 18 प्लस के जो भी जिनके पास लाइसेंस है वो ड्राइव कर सकते हैं, जो सीख रहे हैं वो भी। तो क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कैसे हम ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो इसी बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो काम है गाड़ी में बैठने के बाद कि आपको अपनी सीट बेल्ट पहननी है सबसे पहले, उसके बाद कुछ कर रहा है तो सबसे पहले बैठने के बाद सीट बेल्ट पहनने के बाद इसमें पुश बटन है। पुश बटन काम कैसे करता है, पहले एक बार प्रेस करेंगे तो एक लाइट जल जाती है, दोबारा करेंगे तो इग्निशन पे आ जाता है। इग्निशन पे आने के बाद जैसे आपकी गाड़ी नॉर्मल चाबी वाली होती है उसको इग्निशन पे करते हैं, मतलब स्टार्ट करने से एक पॉइंट पहले, तो इग्निशन पे सारी बैटरी वगैरह सब चेकअप हो जाता है गाड़ी का। उसके बाद क्या करना होता है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं उसमें पहले ब्रेक ब्रेक पे पैर रखना होता है, ब्रेक दबा के उसके बाद ये बटन दबाना होता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाना होता है। जैसे ही आप बटन दबा देंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और ये आरपीएम देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको पहला स्टेप क्या करना है, अब आप ब्रेक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक छोड़ने के बाद अब जैसे ये हमारी गाड़ी पी पे है, पी मीन्स पार्किंग, पार्किंग पे है गाड़ी, आपने कहीं भी कोई भी खड़ा कर दे तो पार्किंग पे ही लगा के खड़ी करनी होती है ऑटोमेटिक में, जिससे गाड़ी हमारी आगे पीछे इधर उधर नहीं होगी, खड़ी रहेगी एक ही जगह। तो उसके बाद हमें ऑटोमेटिक चलाने के लिए सबसे पहले गियर चेंज करने के लिए हमें ब्रेक पे पैर दबाना पड़ेगा, ब्रेक दबा के उसके बाद हमें ये जो लीवर है ये साइड में थंब से मैं दबा रहा हूँ, इसको दबा के इसको नीचे करना होता है आराम से। आर आर मीन्स रिवर्स, रिवर्स में ये कैमरा चालू हो गया पीछे का। उसके बाद एन एन मीन्स न्यूट्रल, गाड़ी में अब कोई गियर नहीं लगा हुआ। और उसके बाद दबा के इसको डी, डी मीन्स ड्राइव, ड्राइव में आते ही यहाँ पे भी सिग्नल आ गया, आप देख सकते हैं एलसीडी में। और इसके बाद जैसे ही कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ आपको बैठे रहना है, एक्सलरेट भी नहीं करना गाड़ी को, सिर्फ बैठे रहना है और सिर्फ पैर पैर पे से पैर हटाना है, बस ये मैंने हटा दिया और गाड़ी अपने आप चल रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, ये 7 की स्पीड पे अपने आप ऑटोमेटिक चलेगी, कुछ नहीं करना आपको। मैंने देखो कुछ नहीं करा हुआ, और ये लेफ्ट पैर का यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ना ही ब्रेक दबाना है ना ही और कुछ करना है, लेफ्ट पैर को बिल्कुल आराम से रेस्ट पोजीशन पे रहेगा ये, आपको कुछ नहीं करना है इस पैर से। ये दो जो पैडल है एक्सिलरेट और ब्रेक, ये इसी पैर से ही होगा, आपको कुछ नहीं करना, ये पैर रेस्टिंग में रहेगा हमेशा, बस आपको रिलैक्स होके बैठना है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और गाड़ी मेरी 7 पे चल रही है, आरपीएम देख सकते हो कितनी है, 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चल रही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा एक्सीलरेट करना है गाड़ी, हल्का सा पैर दबाना है और ये गाड़ी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो गियर वाली गाड़ियां होती हैं, क्लच वाली गाड़ियां होती है, उससे बहुत इजी है इसको चलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो आपका लेफ्ट पैर रेस्ट में रहता है उसको थोड़ा मैनेज करना होता है, क्योंकि जिसकी आदत होती है वो बार बार गियर ब्रेक और क्लच को दबा दबा के, वो थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं होता है, जो पहली बार चलाते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यूज टू हो जाता है बाद में, बहुत इजी है चलाना। और ये देख सकते हैं आप, मेरा लेफ्ट पैर रेस्ट में है और दूसरे से मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, और ये स्पीड मेरी 25-24 पे है, और डी डी ड्राइव मोड पे, आप देख सकते हो उस पर लिखा हुआ है डी ड्राइव पे चल रही है गाड़ी, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चलाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख सकते हैं आप डी पे है,
ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं। और ये ऑटोमेटिक का ये फायदा होता है, ये अपने आप ही आईवीटी मॉडल है मेरा, ये सेल्टोस एचटीएक्स आईवीटी, जो कि आईवीटी में एकदम पता ही नहीं चलता गियर कब चेंज हो रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी। बहुत स्मूथ शिफ्टिंग है इसकी, अब ड्राइव मोड चलाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्स कैसे करना है। पहले गाड़ी को साइड में लगा के रोकना है धीरे धीरे ब्रेक दबा के, और उसके बाद आपको इस जो लीवर है इसका गियर नॉब है इसको प्रेस करना है थंब से, और इसको आर पे करना है। आर पे करने से हमारा ये रिवर्स कैमरा भी चालू हो गया, देख सकते हैं आप रिवर्स कैमरा चालू हो गया है और आर पे है ये। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटाना है। ये मैंने पैर हटा दिया और देख सकते हैं आप गाड़ी मेरी चल रही है 5-6 की स्पीड में, रिवर्स कैमरा देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, कुछ नहीं करना बस। और फिर से मैंने ब्रेक दबाया बस, और ये स्टॉप हो गई गाड़ी। और उसके बाद दोबारा से इसको प्रेस करके न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कुछ नहीं होता है, गियर कुछ नहीं है, सिंपल गाड़ी है, गियर वेयर कुछ नहीं लगा रहता। और फिर से ब्रेक दबा के डी, आपको जितनी बार भी गियर शिफ्ट करना है ब्रेक दबा के ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये गियर शिफ्ट होगा ही नहीं है, ये हो हिलेगा ही नहीं है। कुछ भी दबा के कर लो चाहे कैसे कर लो, बिना ब्रेक दबाए ये गियर नॉब नहीं लगेगा, शिफ्ट नहीं करेगा ये गियर में। अब इसको फिर से डी पे डालते हैं और फिर ब्रेक छोड़ते हैं धीरे धीरे, और ये गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं 6-7। ऐसे ड्राइव करते हैं इसको, बहुत सिंपल है, कोई भी चला सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। गियर क्लच से तो बहुत ज्यादा सिंपल है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, बस थोड़ा माइंडसेट बिठाना पड़ता है कि गियर नहीं है, पैर फ्री रहेगा, लेफ्ट वाला बिल्कुल रेस्टिंग में रहेगा, बस यही है इसमें। और जैसे आपको गाड़ी पार्क करनी है, आपने गाड़ी चला के आपको पार्किंग में खड़ी करनी है, तो कुछ नहीं करना, ब्रेक दबा के दोबारा से इसको पी पे शिफ्ट करके और छोड़ देना है बस, और हैंड ब्रेक लगा लेना है। आप हैंड ब्रेक लगा के आपको गाड़ी, आप अपनी वहां पे गाड़ी जहां भी पार्क करते हैं आप वहां गाड़ी अपनी पार्क करके जा सकते हैं, इसको बस पी पे करना है, बस सिंपल है, और कुछ तो है नहीं इसमें बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू।